इस बार का करवा चौथ ज्योति सिंह के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। स्पेशल तो सभी के लिए होता है, लेकिन आपको तो पता ही है 70 सालों बाद ऐसा योग बन रहा है इस बार करवा चौथ में कि हर एक सुहागिनों के लिए ये बड़ा ही फलदायक होने वाला है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि खेसारी लाल यादव हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर हो पवन सिंह, सभी के लिए उनकी पत्नियां व्रत रखती हैं और अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव इस साल लंदन में है और दिनेश लाल यादव निरहुआ मुंबई में नहीं है, अपने शूटिंग के सिलसिले में बाहर हैं। तो भाई बचे सिर्फ पवन सिंह। जी हाँ, ज्योति सिंह जानती थी कि इस साल पवन सिंह लखनऊ में होंगे, इसलिए पहले ही करवा चौथ से पहले ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह को वहीं जाकर उनके शूटिंग स्पॉट पर जाकर उनके साथ रहना ज्यादा मुनासिब समझा। पवन पुत्र की शूटिंग लखनऊ में चल रही है और ज्योति सिंह उन्हीं के साथ हैं, और वहीं ज्योति सिंह अपना दूसरा करवा चौथ मनाएंगे। जी हां, पिछले साल ज्योति सिंह ने अपना पहला करवा चौथ मनाया था और इस बार ज्योति सिंह अपना दूसरा करवा चौथ मना रही हैं। आपको बता दें, इस करवा चौथ की तैयारियां ज्योति सिंह ने पूरे रीति रिवाजों के साथ कर ली है और पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह के इस करवा चौथ में उनका साथ दिया है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है पवन सिंह अपनी शूटिंग उस दिन जल्दी खत्म कर लेंगे ताकि वो पूजा के दौरान ज्योति सिंह के साथ बने रहें। स्पेशल भोजपुरी की टीम की तरफ से भी सभी सुहागिनों को हैप्पी करवा चौथ।